वाटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। नहीं, 10th शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत थी और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून का कानून के प्राविधानों का विचार करके उचित निर्णय लिया जाने वाला है, जो निश्चित रूप से एक उदाहरणात्मक निर्णय इस राष्ट्र के लिए 10th शेड्यूल के मामले में रहेगा। संजय राउत म्हणतात की अध्यक्षांनी दिल्लीतून हा निकाल आणलाय। आता उद्या संजय राऊत बोलतील अमेरिकेतनं आणलंय, लंडन वरनं आणलंय, त्यांच्या बोलण्याला काय अर्थ असतं का? अशाला त्यांच्या कॉमेंट्सना उत्तर देऊन उगीच त्यांना जी स्वस्त पब्लिसिटी हवी आहे त्यात वाव देण्यासारखं आहे, त्यामुळे संजय राऊत सारख्या लोकांना बेस्ट इग्नोर्ड। मैंने प्रतिक्रिया कल दी है, मैंने आपको बताया है जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की महीने 15 दिन में मुलाकात होती है, बोर्ड के विषय रहते हैं, इसके बारे में मालूमात शायद उनको होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा, तो इसके बारे में और क्या कह सकता हूं मैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।